हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वीपी फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, ये वीडियो है लाइव ट्रेडिंग की, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं कि व्हाट वाज द रीजन, एग्जैक्टली रीजन क्या था ट्रेड लेने के पीछे, कहाँ मैंने एंट्री की, कहाँ मैंने एग्जिट किया, एग्जैक्टली सब डिटेल्स शेयर करते हैं। सो, आप पहले वीडियो देख लीजिए जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके बाद मिलते हैं और आपसे आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस थे ट्रेड लेने के।
सो ट्रेडर्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि आज के हमारे दो ट्रेड्स थे, एक था टाटा स्टील एंड सेकंड था जुबिलेंट फुटवर्क्स। सो टाटा स्टील का पहले रीजन डिस्कस कर लेते हैं, क्या रीजन था, मैंने कहां एग्जैक्टली बाय किया था। देखिए ट्रेडर्स, आज टाटा स्टील यहां ओपन हुआ एंड कंटिन्यूस फॉल आने के बाद ये लेवल पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल यहां पर आपको दिख रही है। यहां पर बाय करने का रीजन ये था क्योंकि यहां पर ये कंटिन्यूस फॉल आने के बाद ओके एंड लास्ट जो ये दो कैंडल आप दिख रहे हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरा कैंडल, आप देख रहे हो कि इसका साइज छोटा होते जा रहा है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है एंड यहां पर सेकेंडली ये बायस टेरिटरी है। ओके, यहां से स्टॉक जब ये लेवल पे आता स्टॉक तो अच्छी रैली किया था, तो ऑब्वियसली यहां पर एक्सपेक्टेड था कि ये अगेन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा एंड इस सपोर्ट पे मुझे यहां पर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी विथ गुड वॉल्यूम। सो मैंने यहां पर बाय किया था, मैंने स्टॉप लॉस रखा था ये कैंडल का लो जो आपको दिख रहा है अराउंड 526। तो मैंने ₹2 के स्टॉप लॉस के हिसाब से मैंने इस स्टॉक को अराउंड ₹2.5 का ऑलमोस्ट मैंने इसमें रिस्क लिया था। सो ये लेवल में मैंने बाय किया था, स्टॉक मेरा बाय करते ही स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, देन अगेन स्टॉक नीचे आया, बट जिसने ये लो नहीं तोड़ा जो 526 का मेरा स्टॉप लॉस, आप देख सकते हो यहां पर लो कितना लगा स्टॉक में 526.75 एंड स्टॉक फिर अगेन ऊपर की तरफ यहां पर मुझे प्रॉफिट शो कर रहा था। यहां पर मैंने बुक नहीं किया, मैं होल्ड कर रहा था क्योंकि यहां पर बायस टेरिटरी है और पहले जो इसकी हिस्ट्री दिख रही है हमको, ये जोन पे टच होते ही स्टॉक काफी अच्छा ऊपर गया था। सो मैं वेट कर रहा था, स्टॉक यहां आया, फिर यहां से रिवर्सल आया, अगेन फिर यहां से रिवर्सल आया, फाइनली ये जोन पे अराउंड 1140 के आसपास ये जोन पे मैंने जब यहां पर रेड कैंडल देखी, सो रिजेक्शन 1, रिजेक्शन 2 एंड रिजेक्शन 3 यहां पर मुझे दिखा, तो मैंने इसको सेलिंग ऑर्डर लगाया, बट सेलिंग ऑर्डर लगाते ही ये स्टॉक नीचे की तरफ आने लगा, तो मैंने जो ऑर्डर लगाया हुआ था 534 का उसको मॉडिफाई करके मैंने करंट प्राइस पे मैंने उसको एग्जिट कर दिया। इसको यहां पर ट्रिपल टॉप बनते हुए दिख रहा था, सिमिलरली हाइज बन रहे थे, तो मैंने ठीक है यहां पर एग्जिट कर देते हैं, यहां से लग रहा है कि रिजेक्शन आ रहा है और स्टॉक थर्ड टाइम अगर रिजेक्ट होता है स्टॉक तो स्ट्रांगली नीचे की तरफ जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एग्जिटेड एट दिस कैंडल। ये हो गया हमारे टाटा स्टील का ट्रेड विथ रीजन। इसके बाद मैंने बाय किया था जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड का क्या रीजन था, जुबिलेंट फूड ट्रेडर्स मैं 15 मिनट्स का इसमें चार्ट देख रहा था, फर्स्ट मैंने 5 मिनट्स का चार्ट देखा, इसमें मोमेंट अच्छी दे रहा था स्टॉक एंड ये ब्रेकडाउन आया हुआ था स्टॉक पे, तो जस्ट मैं वॉच कर रहा था उसको, वॉच कर रहा था नीचे की तरफ आ रहा था, तो मैंने इसका हायर टाइम फ्रेम देखा। मैंने हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप यहां पर हम लोग देखते हैं, सो ये ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन देखिए, इसको डार्क कर लेते हैं, देखिए सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड यहां पर ये जोन पे स्टॉक ट्राई कर रहा था ऊपर निकलने के लिए एज अ सपोर्ट 3 एंड यहां पर देखिए 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए सी यहां पर स्टॉक ट्राई कर रहा था ऊपर लेने के लिए। सो मैंने ये जोन पे मैंने बाय किया इसको, ये कैंडल के हाई, स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ था इसके थोड़ा सा नीचे, लाइक ये कैंडल के थोड़ा सा नीचे ये जोन पे अराउंड, तो स्टॉक यहां से ऊपर गया बट अगेन साइडवेज होते होते अराउंड 1-1.5 आवर्स के बाद टारगेट मैंने इसमें ये सेट किया हुआ था जो इसका नियर बाय रेजिस्टेंस था अराउंड 1-1.5 रेशो 1 1 1 रुपए के अगेंस्ट में 1.5 का मैंने टारगेट रखा हुआ था, उस रेशो के हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया हुआ था। सो स्टॉक तो नीचे तो गया नहीं, थोड़ा नीचे गया, उसके बाद फाइनली एक कैंडल में इसमें बूम आया एंड मैंने ये जोन पे स्टॉक को बुक कर दिया। यहां पर रीजन इसमें सिंपल था, स्टॉक अपने स्ट्रक्चरल सपोर्ट पे खड़ा हुआ था एंड यहां पर बाइंग आप वॉल्यूम में देख सकते हो, उसमें अच्छा वॉल्यूम आया था। सो मैंने ये जोन पे बाय किया, स्टॉप लॉस रखा था थोड़ा सा नीचे, स्टॉक नीचे नहीं गया एंड लास्ट में आकर 2 आवर्स वेट करने के बाद स्टॉक ने एक कैंडल में अच्छा मेरा टारगेट हिट कर दिया एंड मैंने ये जोन पे मैंने एग्जिट कर दिया स्टॉक को। सो ये थे आज के दोनों ट्रेड्स विथ रीजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।